सियालकोट थाना सिटी बस रोड के इलाके में 5 साल बच्चे से ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। सियालकोट थाना सिटी बस रोड के इलाके पत्ती नामी शाम में राहगीर नुमान ने 5 साल नूर फातिमा के साथ ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कैसर महमूद 5 साल नूर फातिमा के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था, जिसके रोने की आवाज़ राहगीर नुमान रजाक ने सुनी और वो मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर मुलजिम कैसर महमूद भाग गया। इतना मिलते ही पुलिस भी जयवकुआ पर पहुंच गई और मुलजिम को तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी बसरूर फरहान असलम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ 2018 में भी ज्यादती करने की कोशिश में मुकदमा दर्ज हुआ था। डीएसपी ने कहा है कि तफ्तीश के अमल में कानून और इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा और मुलजिम को कैफीरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुलजम को रोका और मकसद में कामयाब ना होने दिया और तसरूर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजम कैसर को गिरफ्तार कर लिया है। और ये बात सामने आई है कि मुलजम कैसर 2018 में भी 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश के मुकदमा में चलान हो चुका है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।